हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड नाइन थर्टीन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टी सी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द डिस कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट मीन्स तो डिसीज जो माइक्रोब्स से होते हैं वो बॉडी के अंदर अलग अलग मीन्स के द्वारा एंटर होते हैं वेयर डू दे गो दैन और एंटर होने के बाद वो कहाँ जाते हैं द बॉडी इज वेरी लार्ज वैन कम्पेयर टू द माइक्रोब्स राइट माइक जो भी बॉडी है जहाँ पर माइक्रोब सेंटर होते हैं वो माइक्रोब के कंपेयर में बहुत ही बड़ी होती है सो देर आर मैनी पॉसिबल प्लेसिस ऑर्गन्स और टीश्यूज़ वेर दे कुड़को बराबर तो वो कहाँ जाएंगे तो कोई भी ऑर्गन्स और टीश्यूज़ के अंदर बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो जा सकते हैं

अलग अलग जो स्पीसीज है माइक्रोब्स की वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएंगे इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री राइट इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज़ राइट नोज़ के द्वारा वो एयर के द्वारा वो नोज में जाएंगे देन दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स राइट right. एयर के द्वारा कहाँ जाएंगे पहले नोज में और उसके बाद में कहाँ जाएंगे वो लंग्स में जाएंगे राइट दे आर लाइकली टू गो टू लंग्स तो एयर के द्वारा नोज में और उसके बाद वो लंग्स में जाएंगे दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबर क्यूलोसिस राइट तो ये चीज़ हमने ट्यूबर क्यूलोसिस में देखी है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है इफ दे एंटर थ्रू द माउथ राइट अगर वो माउथ से एंटर होते हैं दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफोड कॉजिंग बैक्टेरिया राइट कहाँ पर वो स्टे होंगे गट लाइनिंग लाइक टाइफोड काजिंग बैक्टेरिया और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरस इज दैट कॉज जॉन्डिस राइट तो लीवर में जा सकते हैं वायरस इज दैट कॉज जॉन्डिस और उसकी वजह से फिर जॉन्डिस हो सकता है बट दिस इज बट दिस निडंट ऑलवेज बी द केस एंड इन्फेक्शन लाइक एच आई वी दैट कम्स इन टू द बॉडी वाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स राइट तो एच आई वी जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स से होता है विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मस्कीटो बाइट तो मलेरिया जो है वो मस्कीटो बाइट से होता है विल गो टू द लीवर और उसके बाद में लीवर में जाता है एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स राइट तो कहाँ से कहा जाता है इट विल गो टू द लीवर और उसके बाद वो रेड ब्लड सेल में जाते हैं द वायरस कॉजिंग जापानीज एनसीप एनसीफालाटिस राइट right. क्या लिखा है एनसीफेलेटिस एनसीफेलिटिस वायरस कॉजिंग जापानीज एन एनसीफेलिटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट राइट वो भी बाइट से ही होता है बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन और उसके बाद वो ब्रेन को इन्फेक्ट करता है राइट वायरस कॉजिंग जापानीज एनसी फैलिटीज और ब्रेन फीवर इट विल एंटर थ्रू मॉस्किटोबाइट बराबर मॉस्किटोबाइट से वो एंटर होता है और फिर ब्रेन को इन्फेक्ट करता है ओके द साइंस एंड सिमटोम्स ऑफ अ डिसीज़ विल दस डिपेंड ऑन द टीसीू राइट तो सिमटोम्स ऑफ डिसीज़ वो टीसीू और ऑर्गन्स विच द माइक्रोबारगेट्स उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स अगर लंग्स को टारगेट किया गया है दैन सिमटोम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस राइट तो अगर लंग्स को टारगेट किया गया है तो उसके सिम्टोम क्या होंगे कफ होगा या तो सांस में दिक्कत हो हो वो होता है इफ़ द लीवर इज टारगेट दैन देर विल बी जॉन्डिस अगर लीवर को टारगेट किया गया है तो जॉन्डिस होगा बराबर इफ़ द लीवर इज़ टारगेटेड तो जॉन्डिस होगा फिर यहाँ पर बताया कि साइंस और सिमटोम्स वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो टिश्यू और ऑर्गन्स है जिसको वो टारगेट करते हैं उसके ऊपर होता है लंग्स को अगर टारगेट किया गया है तो सिम्टोम कफ एंड ब्रेथलेसनेस होते हैं राइट कफ या तो ब्रेथलेसनेस मतलब सांसों में दिक्कत या तो खांसी इफ द ब्रेन इज़ टारगेट ब्रेन को अगर टारगेट किया गया है वी विल ऑब्जर्व हेड एक्स राइट सर दर्द होगा वॉमिटिंग फिट्स और अनकॉन्स कॉन्शियसनेस राइट अगर ब्रेन को टारगेट किया गया है तो सर दर्द वॉमिटिंग फिट्स एंड अनकशियस कॉन्शियसनेस होगा वी विल इमेजिन वॉट द सिमटम्स एंड साइंस ऑफ एन इनफेक्शन विल बी इफ वी नो वॉट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन्स, राइट तो सिम्टोम्स एंड साइंस वो टारगेट टिश्यू और ऑर्गन पर से पता चलता है एंड द फंक्सन देट आर कैरिड आउट बाई दिस टिश्यू और ऑर्गन्स, राइट और टिश्यू और ऑर्गन के क्या फंक्शंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है राइट तो साइंस एंड सिमटोम्स ऑफ डिसीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है टीश्यू और ऑर्गन के ऊपर राइट right? जो टारगेट होते हैं लंग्स को अगर टारगेट किया गया है तो सिम्टम होंगे कफ एंड ब्रेथलेसनेस लीवर टारगेट किया गया है तो जॉन्डिस होगा राइट right? और ब्रेन अगर टारगेट है तो हेड एक वॉमिटिंग फीट और अनकॉन्शियसनेस होगा राइट right? तो वी कैन इमेजिन अगर मतलब कौन सी बॉडी और टी सी ऑर्गन को बॉडी टी सी ऑर्गन को टारगेट किया गया है वो उ, उसके ऊपर से हमें सिम्टोम्स पता चलते हैं फंक्शंस और टिश्यू ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है बराबर उसके ऊपर से सब पता चलता है हमें देन इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शस डिसीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू राइट इन्फेक्शस डिसीज उसकी दूसरी इफेक्ट्स भी होती है मोस्ट ऑफ दिस कामन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन राइट ज़्यादातर जो कॉमन इफेक्ट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बॉडीज़ इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है राइट मगर मतलब कि इम्यून सिस्टम किसके ऊपर कैसी है तो उसके ऊपर सब डिसीज़ का इफेक्ट डिपेंड करता है राइट right. कौन सी बॉडी पर क्या इफेक्ट करेगा वो इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है तो एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन मतलब कोई भी इन्फेक्शन है तो इम्यून सिस्टम की बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेटेड करता है एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू

In some cases, the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system. Right. So HIV infection jo hai, usme virus immune system mein jata hai and damages its function. Right. Thus, many of the effects of HIV AIDS are because the body can no longer fight off. द मैनी माइनर इन्फेक्शन्स दैट वी फेस एवरीडे इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम न्यूमोनिया राइट जो सर्दी होती है उसकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विथ ब्लड लॉस राइट गट इन्फेक्शन जो है तो उससे क्या हो सकता है मेजर डायरिया हो सकता है विथ ब्लड लॉस राइट ब्लड भी उससे चला जाता है निकलता रहता है अल्टीमेटली इट इज दिस अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम एच आई वी एड्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेविलिटी ऑफ डिसीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी राइट मतलब कोई भी डिसीज़ कितना इफेक्टिव है वो कितने माइक्रोब्स बॉडी के अंदर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कम माइक्रोबोगे तो कम इफेक्ट होगी ज़्यादा होगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगी इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल अगर हाँ द डिस मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अनोटिस्ड राइट यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोब्स वेरी स्मॉल तो डिसीज मैनिफेस्टेशन में भी माइनर और अनोटिस्ड राइट तो डिसीज़ माइनर होगा या तो जिस इतना कम होगा कि उसकी उसको नोटिस भी नहीं करेंगे कि ये है कुछ ऐसा बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज राइट सेम माइक्रोब अगर बहुत ही ज़्यादा है द डिसीज़ कैन बी सीवर इनफ टू बी लाइफ थ्रीटनिंग राइट तो उसकी इफेक्ट हमारी लाइफ चली जाए ऐसा भी हो सकता है मर सकते हम द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ़ माइक्रोव सर्वाइविंग इन द बॉडी तो इम्यून सिस्टम वो एक मेजर फैक्टर है जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी उसको डिटरमाइन करता है राइट right? अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है तो माइक्रोव हमारी बॉडी में बहुत ही कम आ जाएंगे अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो माइक्रोव ज़्यादा आ सकते हैं वी शैल लुक इन टू दिस अस्पेक्ट अ लिटल लेटर इन द चैप्टर तो ये सब अब चैप्टर में बाद में देखेंगे थर्टीन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे